हैरत की बात यह है हिंदुस्तान का कोयला 4000 के अंदर एक टन मिलता है मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर तीस हजार कट मिलता है चार गुना पांच गुना ज्यादा दाम देके क्योंकि इनका दोस्त है एक शाहूकार वो इंपोर्ट करता है इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो आपके शाहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो बिल्कुल हाँ हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पर हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं अगर आप दोषी नहीं है आप सही है तो कल उत्तर दीजिए कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो खुशी की बात है कीजिए हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा जो सवाल आज हम कड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए देश के सामने रखिए मेक इन इंडिया नए उद्योग तो नहीं आए जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे फेट कंपनी चला गया फोर्ड कंपनी चला गया जनरल मोटर्स चला गया डाटसन चला गया यूनाइटेड मोटर्स चला गया हार्ली डेविडसन चला गया क्या ये सच नहीं है यह है मेक इन इंडिया का नतीजा ये तरीका है देश चलाने का इन से देश का विकास होगा विकास नहीं सत्यानाश होगा अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे पूंजीपत्नी अपने निवेश को वितड़्रा करे हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है निवेश का ड्रेन हो रहा है हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे देश का सर्वनाश होगा बड़ा ही दुख होता है हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है ये कितनी गलत बात है हमारे इतने विशाल देश है विशाल जनता है 140 करोड़ पे पहुंच रहा है हमारे पॉपुलेशन इनके साथ जो आप खिलवाड़ा कर रहे हो मजाक कर रहे हो ये देश के हित में अच्छा नहीं है बिल्कुल गलत है आपने एक भी बात निभाया क्या आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे आया क्या मोदी जी अगर आया तो कहां आया अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई सर झुक जाता है शर्म से सरकारी आंकड़े बताते हैं कालाधन डबल हो गया दुगना हो गया कालाधन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ सिस बैंक से पैसे नहीं आए मोदी जी के कालखंड में दुगना हो गए डबल हो गए ये रिपोर्ट्स है ये हमारे आरोप नहीं है हकीकत है ये सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है यही आपका महान कार्यकर्ता का है एक भी वादा कम से कम एक भाइयों बहनों दो हजार तक कोई कोई आदमी कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो दिया हम तो दो हजार में आ गए मोदी जी अभी नहीं पहुंचे दो में बड़ी अजीब बात है भ्रष्टाचार मुफ्त भारत मोदी जी का एक पॉपुलर नारा मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा आप तो इतना खा गए इतना किला रहे आपके शाहूकारों को घोटाले लाखों करोड़ों में जा रहा है हां पूरा है रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में बिल्कुल है किस किस देश से किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समैन बन के काम किया उसके पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हैं देश जान चुका है मोदी जी आप डरा धमका के कितनों की आवाज दबाओगे कितनों को रोकोगे भ्रष्टाचार बढ़ गए देश में घोटाले बढ़ गए बैंक के लुटेरे बढ़ गए एनपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा मोदी जी आपसे पहले नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स का जो गिनती है वो सिर्फ चार पांच लाख करोड़ में थे आज एनपीएस का क्या दर है बीस लाख करोड़ यह है विकास मोदी जी इस तोहफा दिया आपने देश को क्या यह भी गलत है हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं आप ही के बताए हुए आंकड़े कह रहे हैं ये हमारे आंकड़े नहीं है दीज फिगर्स आर नॉट माइन दिस फिगर हैज बीन गिवन बाई द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज एन आंसर टू द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट द रेट ऑफ एनपीएस इन इंडिया टुडे इज अबाउट 18.6 लाख करोड़ पता नहीं उसके बाद में और कितने बड़े दिस इज द रिप्लाई द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यह आपके गतिशील विकासशील नीतियों का नतीजा है क्या किस चीज का यह नतीजा है आपके गलत कारनामों से गलत उसूलों से गलत फैसलों से देश का मान मर्यादा गिर रहा है जीवन प्रमाण गिर रहा है लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है ये सच है पंद्रह लाख देंगे हर किसी के खाते में आ जाएंगे पंद्रह पैसे नहीं है? लोग इंतजार कर रहे हैं कभी कह रहे हैं मोदी जी हम तो आपको वोट देते रहेंगे पंद्रह लाख पंद्रह लाख जब तक हमारे खाते में नहीं है आशा है कि आप देंगे कभी गा रहे हैं आपके गुणगान किसी भी वादा उद्योगपतियों के साथ छोटे उद्योगों के साथ आपने जो वायदा किया एमएसएमई को एक घंटे के अंदर लोन देंगे महीनों भर भी इंतजार करें नहीं मिलता बस आपका वादा वादा रह गया मोदी जी आप जब रुपया गिर रहा था जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे आप अपने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे आज रूपी का वैल्यू क्या है मैं पूछ रहा हूं आपसे कल उत्तर दीजिए भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ यह भी आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री जी सेवेंटी नाइन यूएस डॉलर के प्रति आज हमारा रूपी के वैल्यू है सेवेंटी नाइन रुपीज अरे रे, ये देश का हालत को बता रहे आपका कितना महान एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ये नतीजा है आप ही कह रहे थे मैं जानना चाहता हूं भाई नेपाल का रुपया नहीं गिरता बांग्लादेश का नहीं गिरता सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता हम जानना चाह रहे मोदी जी आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता हम भी आज जानना चाह रहे हैं, देश जानना चाह रहे किसी प्रधानमंत्री के समय में इतना नीचे नहीं गया रूपी वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है और फिर भी आप बोलते हैं आपका ढोल बचाओ क्या यह सच्चाई नहीं है अगर आप निर्दोष हो इसका उत्तर दीजिए कल के सभा में जनता को बताइए हम खुलेआम पूछ रहे ना मकान दिए ना दुकान दिए ना वादा किया गया पैसे दिए नौकरी दिए दो लाख दो करोड़ नौकरियां हर साल अब हैरत की बात यह है नया तो नहीं मिले लेकिन जिस कदर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं एलआईसी जैसे संस्था को भी बेच रहे हैं, नवरत्ना को भी बेच रहे हैं, लोगों को रोड पे लाया जा रहा है नया तो नहीं मिले लेकिन है जो मौजूदा है वो भी जा रहे ये मेरा बात नहीं सारे देश ये बात जानता है अब इतनी बड़ी लिस्ट है जो पढ़ के मुझे हमारे ने चारी साहब ने लिख के दिया मैंने कहा चारी साहब कुछ बांट दीजिए यशवंत जी आ रहे हैं सब आए है। अब इसको पढ़ दूं तो और दो घंटे लगेगा पढ़ना चाहिए बाद में पढ़ेंगे बहुत समय है मोदी जी आपका कालखंड में इतनी खूब एक भी काम आप कामयाब नहीं रहे एक भी काम आप अपने आप को रिव्यू कीजिए एक बार मन से इंट्रास्पेक्ट कीजिए क्या हो रहा है गंगा जी को बहुत पवित्र मानते हैं हम लोग गंगा जी का पानी पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं इतनी पवित्रता इतनी मान्यता गंगा जी में अपने बुजुर्गों का अस्थि निमज्जन करते हैं हम लोग हां इस बात में मोदी जरूर मोदी जी का एक बहुत बड़ा विकास इन्होंने किया है पवित्र गंगा में इन्होंने अस्थि नहीं बल्कि मानव शरीर को ही बहा दिया शव भ हजारों के तादाद में शव है कोरोना कंट्रोल में पूरी तरह से आप फेल्यूर हो गए लाखों लोगों का मृत्यु का आप कारण बने सडनली जो ओवरनाइट आपने लॉकडाउन अनाउंस किया आजादी के बाद द लार्जेस्ट ट्रोमा फेस्ड बाई द इंडियन पॉलिटी यू मेड द पीपुल लैक्स ऑफ पीपुल क्रोर्स ऑफ पीपल टू वॉक ऑन द रूट्स दुख होता है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस कोरोना का समय में यह कर रहे थे मैंने सुझाव दिया था यशवंत जी बड़ा दुख होता है मैंने कहा भाई ट्रेन तो दे दो कम से कम उनको बेच देते दे, हैं ट्रेन चालू करो शर्म की बात तो यह है उतने गंभीर समस्या जनता फेस कर रही थी दुखी थी जनता मोदी जी कहता फ्री ट्रेन नहीं देंगे यशवंत साहब आप जिस राज्य से आते हैं वहां का भाई बंधु हमारे पास कई इलाकों में काम करते हैं लाखों लोग बिहार से झारखंड से बंगाल से उत्तर प्रदेश से तेलंगाना में काम करते हैं कई फील्ड्स में मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया भाई मोदी साहब नहीं दिए नहीं दिए लेकिन हम है तेलंगाना राज्य के सरकार है हम आप लोगों को तेलंगाना राज्य के विकास के प्रतिनिधि मानते हैं आपके पसीन, पसीना से आपके मेहनत से तेलंगाना का गति प्रगति बढ़ती है तो इसीलिए हमने हमारे लोगों के साथ उनको मुफ्त राशन दिया दवाई दिया फ्री ट्रेन 178 सेवेंटी ट्रेन तेलंगाना सरकार की ओर से बुक करके वो घर पहुंचे तक उनको हर चीज वाटर बॉटल्स के साथ खाने के साथ उनके जेब में एक एक हजार रुपए देकर हमने उसको विदा किया ये है मोदी जी का न... नीति देश के जनता के साथ केंद्र सरकार देश के जनता के प्रति मोदी जी का ये प्रेम है